कि किस राजा पे वाली घर में पछतावेगी। डन, वाह, वेरी नाइस। नाउ शिवम, शिवम वांट टू सिंग। नाउ शिवम इज कमिंग टू सिंग। शिवम अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्टार्ट योर वीडियो। ओके या शिवम, यू वांट टू सिंग ना? सो नो सर। व्हाई नो? आपने हैंड रेस्ट किया था। स्टार्ट सिंगिंग। व्हाई नो? ओके वाई नो? आप गाओ, आपने काफी अच्छा गाया था उस दिन। सॉन्ग याद करना। सॉन्ग याद करना। अच्छा ठीक है, आप सॉन्ग याद करना। ओके आप याद कर तो लो। कहने वन से एक टाइम तक आप कोई और से सिंगिंग करवा लीजिए। ओके तो नेक्स्ट इज मैथिली। हम्मद, हम्मद सर आफ्टर मैथिली आई कैन सिंग अपर्णा। या अपर्णा, यू हैव वेरी लवली वॉइस, काफी अच्छा लगता है सभी को सुन के आपको। आप काफी अच्छा गाते हो अपर्णा। तो हम्मद को, मैत्री को हम लोग पहले। मैत्री आप गाओ। ओके सर। सभी सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे अभी, ठीक है, ये सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से सुन पाए। आप वीडियो भी ऑन कर लो, तभी तो पता चलेगा कि आप गा रहे हो। सर आई एम इन लैब आई एम डूइंग क्लास इन लैपटॉप। यू आर डूइंग क्लास इन लैपटॉप। ओके अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरी बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ। यस होगी सर। यू आर वेरी नाइस अहमद, वेरी नाइस। नाउ अपर्णा, नाउ अपर्णा टर्न। अपर्णा आप गाओ। बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या मुझसे दूर कहीं ना जा। बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा राती राती में
भीगो साथ में तू ऐसी सड़न। वेरी नाइस अपर्णा, क्लैप फॉर अपर्णा। सर आज कौन सा क्लास होगा? आज होगा एबेकस एंड कोडिंग। सर प्रणव, आई विल से प्रणव। ओके प्रणव, यू वांट टू सिंग? सर रूटीन भेजा करिए। मैम सर, या प्रणव मुझे माफ करना। क्या डांस करना है? डांस करिए आप फिर। सर मैं गाना चाहता हूं। सर सॉन्ग, सर सॉन्ग, सॉन्ग सॉन्ग चलाओ। ओके विद सॉन्ग, विद सॉन्ग, वन बाय वन बोलोगे आप तभी तो, फिर मैं मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। विद सॉन्ग, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, मुझे माफ करना। ओम साई राम, मुझे माफ करना। ओम साई राम, तुम से पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सर डन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, काफी अच्छा लगा सुन के, बहुत प्यारा आवाज है आपका। नाउ नेक्स्ट इज अक्षत एंड मुआज, आई थिंक मुआज आपने गा लिया ना, मुआज एंड अक्षत एंड सैम्यूल। नो सर मैं नहीं गाऊंगी सर, मैं गा। हाँ मुआज आप गाओ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने तुम्हें किस्मत की लकीरों से। सडन डन। नाउ नेक्स्ट इज सैम्यूल। सर आई सर अक्षत। अक्षत ओके अक्षत, कैन आई सिंग अ ओल्ड सॉन्ग? या यू कैन, यू कैन, ओल्ड इज गोल्ड, आप गाओ। ओके सर। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस में आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। सडन। क्या बात है अक्षत, काफी अच्छा गाया आपने, काफी प्यारा गाना चूज किया था आपने अक्षत, काफी प्यारा आवाज है आपका। क्लैप फॉर अक्षत। थैंक यू सर। And clap for everyone. सभी के लिए क्लैप करो आप लोग, सभी लोगों ने अच्छा गाया। Who is next? Anyone want to sing? Aditya Ranjan. Yeah, Aditya. Yes, sir. Yeah, Aditya. Please make your video on. Yeah, it's already on. Okay, Aditya. Start singing. सिंगिंग नहीं आता आपको? ओहो कोई बात नहीं, कोई भी सॉन्ग गा दो आप, एनी सॉन्ग यू कैन सिंग। थोड़ा भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो हु विल सिंग नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन सा है, कौन गाना चाहता है? नेक्स्ट कौन गाएंगे? Now again clap for Pranav. Pranav want to sing? Yes sir. Itni shakti hame de na dada, man ka vishwas. Yeah.
मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर. भले जिसने भूल कर भी कभी. ग्रेट, वेरी नाइस प्रणव, वेरी नाइस. नेक्स्ट इज साइबा. साइबा तमरीन. यस सर. साइबा स्टार्ट सिंगिंग. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से जुदा हो जाएंगे, जुदा क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए कोई लम्हा मेरा ना हो, तेरे बेहर साथ आए नाम तेरा, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. सर डन. वेरी नाइस साहिबा, काफी अच्छा गाया आपने, काफी अच्छा सॉन्ग था. क्लैप फॉर साहिबा. वेरी नाइस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज मानसवी. या मानसवी, क्लैप फॉर मानसवी. मानसवी वांट टू सिंग. Yes, so may I start? Yeah, sure. Yes, sir. Start singing. No, just a second. Wait. Okay. Yes, sir, I'm starting. Okay. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a bird, as quiet as a mouse, as big as a house. All I wanna be. All I wanna be is everything. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as a night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture, hanging from a picture, strong like a family, strong as I wanna be, bright as day, as light as play, as hard as needs, as grand as a way. All I wanna be. All I wanna be is everything at once. So finished. Oh, very nice, Manashi. Very nice song. Such a nice song you sang now. And next is Hans Raj, Yellow Group. Yeah, Hans. Hans is there. Hans, you want to sing, Hans? No, sir. No, but you raised your hand. So who will next? Who want to sing? Ma'am, Hans Kumar. Hans Kumar. Okay, Hans. Clap for Hans. Okay, sir. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा के हम नवा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई दिल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। वेरी नाइस अंश, वेरी नाइस, काफी अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर। यू आर वेरी क्यूट एंड लवली, काफी प्यारे हो अंश आप, और प्यारा सॉन्ग भी सुनाया आपने। नाउ हु इज नेक्स्ट? थैंक यू सर। हु इज नेक्स्ट? सर मैत्री। मैत्री, ओके मैत्री। ओके सर, स्टार्ट करो। मैत्री नहीं सुन पा रहे हम लोग आपको, आप थोड़ा सा क्लियरली गाओ माइक के थ्रू। Very nice Maitri, very nice. Pragne, you want to sing? Yes sir. Pragne, you want to sing? Yes. Okay. Pragne, you start singing. मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। ओ सर डन सर, The song of Pranav. Very nice, very nice. Pragne, काफी अच्छा गाया आपने. You are very cute and lovely. आपका song भी काफी अच्छा था. And now, who is next? Sir, now I can sing the song. Sir, Aparna. Who is next? Aparna, wait for some time. Actually, we have 10 minutes left only to start the session. तो जो लोग नहीं गा पाए हैं ना, उनको हम लोग मौका देते हैं. And we will hear you in next class. Okay, Aparna? Sir, don't say it. Is it okay, Aparna? Sir, when will help cooking? Sir, I am saying Pranav, आप तो गा चुके हो ना, अब Pranav के अलावा कोई और गाना चाहता है? Sir, when we will do cooking? Again, sir. Pranav, Harshika को गाने देते हैं, फिर आप पे आते हैं. Harshika ने नहीं गाया है ना? हर्षिका बजाज, और आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी अपने आप को म्यूट करके रखो, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ता है आप लोगों को, और आप लोग बोल नहीं पाते हो, तो सभी लोग बोलने के बाद म्यूट कर लो अपने आप को। या गुंजीता, गुंजीता यू वांट टू सिंग? गुंजीता आर्या, मैंने जब देखा था तुझको रात्रि, वो याद है मुझको, सारे गिनते गिनते सो गया, जब तूने म्यूट है ने? ओके, हु इज नेक्स्ट? Okay, Pranav. Okay. Sing now. Okay, sir. Nanna, nanna munna rahi, desh ka sipahi, bolo mere sang jai hind. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद,
रास्ते में डर खाना डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के मंजिल से पहले न लूंगा कभी तुम आगे भी आगे बढ़ाऊंगा कदम जाने बाय हम नन्ना मुन्ना रानी हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जुल्फों से बांध ले बादल सुने में से उड़ने लगा चल खुद से नैना मिला के और सुना होने लगा कर तुझसे होके बेफिकर मैं नाचू आज छम 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 मैं नाचू आज छम 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 सर डन वेरी नाइस अपर्णा विक्षा विक्षा आर्य रेड ग्रुप विक्षा कहते हैं सुधा ने मेक योर वीडियो ऑन विक्षा सर आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद माय कैमरा इट्स नॉट ओके 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 विक्षा कंटिन्यू कहते हैं सुधा ने जहाँ में सभी के लिए बिना किसी को है बनाया है किसी के लिए तेरा में बिना है उस रग का इशारा मानो मुझे तो बनाया जैसे ही सुधा ने जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा में रहना है उस रग का इशारा मुझे तो बनाया देते जैसे किसके लिए कुछ तो है तुझसे रब्ता कुछ तो है तुझसे रब्ता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे है क्या फिकर है खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को बनाया है किसी के लिए उस रब का इशारा मुझे तो बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे Wow, very nice, very nice. Ma'am is also here. Your abacus class is going to start. So ma'am is here. Welcome, ma'am. Greet, ma'am. Good morning. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. So, how are you all? Fine, ma'am. सभी लोग अपने अपने आप को म्यूट कर लेंगे एंड जब हम लोग नाम कॉल करेंगे ना तभी उनको बोलना है वी विल और मैम विल कॉल योर नेम एंड देन यू विल हैव टू स्पीक आपको अच्छे से पढ़ना है समझना है ना एबेकस के बारे में और कैलीग्राफी के बारे में तो सभी लोग फटाफट अपने आप को म्यूट करेंगे नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा और मैं म्यूट करूंगा तो आप लोग बोल नहीं पाओगे तो म्यूट योरसेल्फ फटाफट श्रेया पटेल सारिक सभी लोग म्यूट करो अपने आप को सारिक म्यूट योरसेल्फ श्रेया पटेल म्यूट योरसेल्फ डू इट फास्ट वेरी नाइस वेरी गुड काफी अच्छे बच्चे हैं सारे लोग ओके मैम यू कैन स्टार्ट द सेशन ओके सो आप लोगों को रिमेम्बर है जो हमने लास्ट टाइम क्लास कर रहा था 1 to 99 यस मैम यस मैम जैसे याद है जस्ट रेज योर हैंड इन योर वीडियो जस्ट रेज योर हैंड हमें पता चल जाएगा इज एनीवन हैविंग एनी डाउट
Any doubt, children? No, ma'am. Ma'am, which class is it? It is Arathis Peta. So, वापस से हम लोग लास्ट के सेशन से ही शुरू करते हैं, ठीक है? रिकैप करते हुए अपना जो भी पीछे का हमारा वर्क था उन सबको देखते हुए, ठीक है, कि जो नए आए हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके ओके, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर रही हूँ. मैम, नाउ इट इज अबाकस क्लास. Yes, it is Abacus right now. मैम आज उसके आगे सिखाएंगे. मैम कुकिंग क्लास कब है? Again, you started talking. कुकिंग क्लास कब है? कुकिंग क्लास सैटरडे को है, हमने बताया है ना, सैटरडे को है और बताया जाएगा आपको. अभी अबेकस समझो आप. ओके, अभी वापस से मैं थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, ठीक है? एंड यू हैव टू बी फास्टर. फ्राइडे को माय राइट हैंड नाउ सेंड ऑल म्यूट योरसेल्फ. ये जो भी क्वेश्चनायर है आप लोगों का क्लासेस के बारे में, वो आफ्टर क्लास करना, ठीक है? जब मैं बोलूंगी कि हाँ आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, देन ओनली, not now. Mute yourself. This is my right hand and this is left hand. Remember that? Yes. Distance. I'm going to ask one question. Okay. What number it is? Please tell me. ये कौन सा नंबर है? 85. बहुत बढ़िया, यानी कि आपको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है? अभी आप मुझे ये बताओगे, आप में से मैथ्स में कैलकुलेशन में सबसे अच्छा कौन है? प्लीज रेज योर हैंड. प्रेम सर काइंडली, आप देख सकते हैं किन्होंने कहा है. एक्चुअली मैं देख नहीं पा रही हूँ सभी बच्चों को. मेक इट इन गैलरी व्यू मैम. आदित्य, सभी ने आदित्य, सिद्धार्थ, मैम आया, मलीना, फातिमा, आई एम फातिमा. वन क्वेश्चन फॉर यू सर. मैम आया, मैंने सर प्लीज म्यूट एवरीवन सर प्लीज. नॉइस इज कमिंग टू मच सर, इट मेक समर कैंप बोरिंग. मैम यू आर आस्किंग समथिंग टू मी. मैम आर यू रेडी? अलीना? Yes, ma'am. Okay, so question for you is, 1 add 3 less 4 add 5 less 5. Answer? Ma'am, please tell again. ये आपको यहाँ पे finger concept use नहीं करना, ठीक है? जैसे आप normal करते हो वैसे ही आपको करना है. Okay? ठीक है? That is 1 add 3 less 4 add 5 less 5 add 7 कोई बात नहीं, इतना फास्ट जल्दी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको बताया ना, ठीक है? ये अभी इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ कि आप खुद अभी डिफरेंस देखोगे,
है ना, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसके कारण जो डिफरेंस आप में आया है वो, और अभी तक जो आप नॉर्मल मेथोडोलॉजी से ऐड करते हो वो, ठीक है, दोनों का अंतर। नॉर्मल मेथोडोलॉजी से नहीं आप फास्ट इतना कर पाओगे, वही मैं अगर आपको अलाउ करूँ कि चलो आप फिंगर यूज कर लो, यू विल बी एबल टू डू। ओके, सो सेम क्वेश्चन, नाउ यू ऑल हैव टू डू वन फिंगर, रेडी? यस मैम। ओके अलीना, आप ही को आंसर करना है, ठीक है? फिंगर कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर? अलीना? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। चलो ठीक है, आप सभी फिगर पे कर सकते हो लेकिन अलीना आंसर करेगी, ठीक है अलीना? तो फिंगर कॉन्सेप्ट पे आंसर करोगे, फिंगर कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करो। चलो, वन एड थ्री प्लस फोर एड फाइव प्लस फाइव एड सेवन एड वन अगेन एंड आंसर इज मैम 57। क्या मैम 57? 57 मैं वापस से क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, ठीक है? फिंगर पे करोगे, क्लियर है फिंगर कॉन्सेप्ट आपका? ओके मैम। क्लियर है आपका फिंगर कॉन्सेप्ट? यस मैम। चलो, आप एक्चुअली मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, काइंडली आप सर उनको आप ये कर सकते हैं अलीना को। वेट अ मिनट मैम, अलीना प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। Anyone else who wanted to give answer? Just raise your hand. Okay, wait. One by one. I'm going to unmute. Finger concept pe answer kar sake. Koi hai aap mein se? Okay, please raise only your hand when once you want to speak something. Devansh, okay. I think. Devansh. Ready you are? Yeah, Devansh. Yes, ma'am. So, question is one. Add three. Less four. Add five. Less five. Add seven. Add one again. And the answer is? Ma'am, 9. Very good, Devansh. Clap for him, everyone. Very nice. Very nice, Devansh. Very good. Anyone else? इसको थोड़ा और मैं आपसे बड़ा करके पूछूं। रोहब एंड ओजस्वी। रेडी? ओजस्वी रेडी हो आप? वेट फॉर अ मोमेंट मैम। या ओजस्वी? यस आई एम रेडी। ओके सो योर क्वेश्चन इज 3 एट 5 less 5 add 5 add 1 less 8 add 1 add 7 and the answer is ma'am 9. Very good, bahut badhiya, very nice Ojasvi. See, need a clap, please aap sabhi uske liye clap karo. Very good, next is Rohab. अपना हैंड लो करते जाओ, जिसका हो गया हैंड लो कर लो आप लोग। यारोहब। यस सर। सो आई एम रेडी। क्वेश्चन फॉर यू, थोड़ा मैं इसको 10 रो का बना रही हूँ, ठीक है? 10 रो है ये। ओके रेडी हो? चलो, क्वेश्चन इज 3 लेस 2 लेस 1 add 8 add 1 less 4 add 3 less 6 add 2 add 5 and the answer is 9. Very good, bahut badhiya, very nice. Now who is next? Who is next? Who want to give answer? Siddhant want to answer, ma'am. Siddhant. Yeah, Siddhant. Yes, sir. Ready, oh? Yes, ma'am. I am ready. So, question for you is 3
add 1, add 5, less 8, add 7, less 6, add 5, less 6, add 1, add 5. Answer. Then 9. No, it is not 9. Do it again. Okay. 3, add 1, add 5, less 8, add 7, less 6, add 5, less 6, add 1, add 5. Batao. Aur koi jo answer dena chah rahe ho? Yes. Ek second. Who is this? Hans. Hans. Wait a minute, ma'am. Okay. Hans. Hans yellow group. Yeah, Hans. What is your answer, Hans? 8. No, it is not 8. Or koi? Who is Rohab? Rohab. Devans also wanted to give answer. Ansh Kumar is here. And Ansh Kumar ke liye maine sir bola tha. Yeah, Ansh Kumar. Yes, Ansh. Haan, bataiye. Yeah, Ansh Kumar. Ansh Kumar. 6. No, it is not 6. Alina, ma'am, can you say I'm Rohab? Yeah, Rohab. Rohab? Ma'am, 7. Yes, Rohab. Very good. It's 7. Bahut badhiya. Clap for you. Very good. Or who wanted to give answer? Next one. Who is the next? Who wanted to give answer? Aparna. Ready, you, Aparna? Yeah, Aparna. Aparna? Yes, sir. Okay, Aparna, question for you is 3, less 1, add 5, add 2, less 7, add 2, less 4, add 7, add 2, less 6. Answer? Sir, 9. No, it is not 9. Anyone else? 8. Devansh, Devansh again. Devansh. Okay, ma'am. Kya answer hai Devansh? Yes, Devansh. Ma'am, can you please repeat the question? I forgot the question. That's why I didn't hear. Okay. I do repeat the question again. That is 3. Less 1, add 5, add 2, less 7, add 2, less 4, add 7, add 2, less 6. Ma'am, in between I got breaked. I am not getting remembered. Anyone by the else? Question. Koini, not to worry. Anyone else who is here? Shreyashi. Wait for yes, Shreyashi. Shreyashi Prakash. Right, ma'am? Yeah. Yes, sir. Shreyashi yes, Prakash. Siddhant is also raising his hand. Okay, I will give chance to Siddhant. Shreyashi now. Shreyashi? Yes, sir. Shreyashi Prakash, what is the answer? Ma'am, can you repeat the question? Achha, ruko, pehle mujhe unse answer kar. Amin. Next is Amil and Siddhant. He's having answer. Ma'am, my answer is 3. Amil. Yes, Siddhant? Amil is ma'am. Amil. Amil. Amil answer is 3. Ma'am, 3. Yes, very good. It is 3. Bahut badhiya. Good. So, sir, junior group jo hai, that is green. Yellow, ma'am. Green is senior. Yellow. Green is yellow is from class 1, orange is 2, and green is 3 to 5. Okay, so my question is for yellow group. Yellow group, ready? Yes, ma'am. Okay, so question for you is 2, add 2, add 5. And the answer is? Yellow group only. Yellow group.
9. Very good. It is 9. Who said? Another question for yellow group is 3, add 1, add 5, less 5, less 2, add 1. And that is? Yellow group, you can unmute yourself. Yellow group only. Ma'am, 9. No, it is not 9. Can you repeat the question? Yes, it is 3. Someone said 3. It is 3. Next question. Next question. Wait. Yellow group, ready now, up, sir. Okay? Yes. Yellow group, ready. Yellow group, ready, you up, sir? Yes, ma'am. Okay, so for you is 4, add 5, less 5, less 3, and answer? 1, 11, ma'am, 1. Very good, it is 1, it is 1. 9. Next question, that is 7. 7. Okay. Less 1. Add 2. Less 5. Less 3. Add 8. And the answer is? Ma'am, 8. Ma'am, 8. It is 8. So, next group is the orange group. Orange group, unmute yourself. And yellow group, mute yourself. Yellow group, mute yourself. Orange group, this question is for you all. Ma'am, 9. Abhi maine question ka pucha. Wait for the question. Question to aane do, okay? Matlab kuch bhi hai to 9 bol dena hai kya? Huh? Hello, next question. Hamara jo hai, that is 8, add 1, less 3, less 5, add 3, and the answer is 4. 9. 4. 4. Jinhone 4 bola unke liye 9. Ma'am, it is 4. I'm 4. It is 4. Very good. I'm 4. Ma'am, 4. Mujhe lagta hai ki isme green group wale bhi aa gaye hain. 4 jo bol rahe hain. Chalo, okay. So next question of orange group aap sab ke liye hai. 4, add 5, less 8, add 7, add 1, and that is 9. It's your favorite 9. 9, ma'am. Next question for you all is 7, add one again, less 4, less 5, add 2, less 4, and that is
Siddhant, batao. Ojasvi, very good. Ojasvi, sahi answer aapka. Good, good, good. Aap apna answer show kar sakte apne fingers pe. Yes, very good, Rudra. Aur Akshat, what is answer? What is your answer, Akshat? Yes, very good. Android Blue, who is Android Blue? Why your name is not there? Aradhya, Aradhya Sinha. What is your answer, dear? Aradhya Sinha, aapka answer, beta? Yes, very good. I'm so happy ki aap log matlab itne acche se is abacus ko seekh rahe ho aur itna badhiya performance de rahe ho. Dekhkar sach mein acha lag raha hai aap logo ko. You all are very smart, really, I must say. So, next question, aap sabke liye. Ready ho? That is 4, add 5, less 9, add 4, add 5, less 4, add 9. And that is? Ma'am, 9. Yes, very good. Rudra. Okay, sabne sab, sab. Sahi hai, Siddhant, Ojasvi, Aradhya, Rudra, Akshat, Android Blue. Aap apna camera on karo, beta. Ishan Raj, sahi hai. Ansh, Ansh, what is your answer? SJ Sharik, aapka bhi sahi hai. Sanvi, Sanvi, what is your answer, dear? Kahan the abhi tak aap? Sanvi, Harshita Bajaj. Praganya, what is the answer? Praganya, I'm asking you. Rohab, that is correct. Shabab, aapka answer, beta? Ayush Kumar, Ayush, are you there? Ayusha, sorry, Ayusha it is. Yes, Rudra, sahi hai. Chalo, ab green, aap sab greenhouse se ho. Chalo, greenhouse aapke liye thoda tough hona chahiye question, hai na? Yes, ma'am. Now, aapko kya karna hai? You have to use your both hands. ठीक है डबल डिजिट में मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी अभी आपसे जस्ट गिव मी अ सेकंड यू कैन राइट इन चैट बॉक्स आल्सो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 38 ओके नाउ ऐड 11 लुक एट माय फिंगर हियर ऐड 11 Add 50. Pranav Kumar 10, Maitri 99, Geetika 99. Yes, it is 99. Very good. Siddhan 99, Mihika 99, Pranav 99, Aparna 99, Heather 99. Yes, it is 99. Yes, it is 99. Okay, great. So next question is 32. Okay, abhi aapko dekhna hai. Theek hai? Then add 65. Add 60 and 5. Now less 37. Less 37. 5, 6, 7. Okay. What we have now? That is 60. Ans Kumar 60. 60, yes. 20. Good, good, good. Pranav good, Kumar, good. 60. Answer is 60. 60. Yes, it is 60. Next question Sadat, is 60. Okay. Now that you have to do. ठीक है अब आप लोग करोगे 13 1 3 13 then add 25 less 27 and answer is दोनों हाथों का यू यस वेरी गुड ग्रीन शर्ट रोहाब
Rohab Kamil. Siddhant 11. Rohab 11. Yes, it is 11. Very good. Next question. That is 31. 3 and 1. Right hand 1, left hand 3. Okay. Then add 52 in that. 52, 5 and 2. Now less 72. Answer is? Answer 11, Matri 11. Ojaswi 11. Yes, it is 11. It is 11. 11. Very good. Jyoti 11, Prano 11. Good, good, good. 11. Next sum. 26. 26. आप क्या कर रहे हो प्रागन्य? आप कर क्या रहे हो? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप कर क्या रहे हो. What are you doing? प्रागन्य, I'm going to unmute you. Okay, you want to say something, प्रागन्य? What are you doing, प्रागन्य? प्रागन्य देव, right, ma'am? Yes, sir. Okay, प्रागन्य, you want to say something? आप unmute कर लो अपने आप को. I'm asking to unmute yourself. मैं लीफ के आंसर निकाल रहा हूँ. नहीं बेटा, आपको फिंगर पे मैंने इसलिए बताना, आप लिख करके करोगे तब तक ये चार पांच क्वेश्चन के आंसर दे देंगे. ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ना कि आप फास्ट करो. एक बार लास्ट में हम रिवाइज कर लेंगे फिर से जो कॉन्सेप्ट आपने सिखाया है ना. ओके, फिर से एक बार रिवाइज. नेक्स्ट सम इज दैट इज 26. जीरो कर लो आप लोग, जो मैंने पूछा था वापस से करते हैं, ठीक है? दैट इज 26, 2 एंड 6, देन ऐड 10. आद्या क्या कर रहे हो आप? आद्या 26, डू 26, 2 एंड 6. राइट हैंड 1 प्लेस, लेफ्ट हैंड 10 प्लेस. आद्या 26, लेफ्ट पे 2 और राइट पे 6. यस, गुड. नाउ ऐड 10. यस, हाउ टू ऐड आफ्टर 10? हाउ टू ऐड आफ्टर 10? यू हैव टू यूज योर लेफ्ट हैंड. Okay, yes, on left hand, you will do all the tens. When you say to after we add 10, how to we add 10? It is a one. It is 26 here. Look at here. It is 26. Now add 10. On for 10, to add 10, we will raise one more finger here. On tens hand. On left hand, our left hand is tens hand. And like this, we have to label. How to add 11 in our 1 and 1, 11. Like this video. Thank you, ma'am. Okay. So our question was 26, add 10. Okay. Now less 20. Less 20. What is answer? Ma'am, it is 10. How? It is not 10. Pranav 10. Shabab, what is your answer? Maitri 16. Sadav 16. Yes, it is 16. Good. Rohab 16. Haider 16. Maurya Surana 16. Jyoti 16. Shabab, aise hi nahi karoge aap, theek hai? Main aapko dekh rahi hoon. So, aise hi aap kuch bhi sum mat karo. Okay? Next question. Shabab, aapse hai. 43. Add 55. Add karna tha usme. You had to add. 43 add 55. 43. Now add 55. See. 43 add 55. Okay. Now less 72. Less 70 and 2. Okay, this is the fastest way to add and subtract, isn't it? Don't you think, children? Normally, agar main bolu ki aap pen pencil se lekar karo, you will take more time, isn't it? No. How many are agree with me? I'm back. Hand raise karo, jo agree ho. No. Good.
सो ये आपको इसलिए कराया जा रहा है कि आप कुछ नया चीज सीखो, है ना, कुछ और फास्ट करो. एबेकस के बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल बच्चे से 10 times फास्टर होते हैं, पता है आपको. आप जब तक एक सम करोगे ना वो 10 सम करके बैठ जाएंगे. इसलिए एबेकस सिखाया जाता है बच्चों को कि वो फास्ट करे इस चीज को. इससे ना सिर्फ आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, आपके ब्रेन की जितने भी फंक्शन है वो सभी फास्ट होंगे और ज्यादा, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो या मेमोरी हो या कुछ भी, है ना. अभी आपने देखा कल परसों तक आप नहीं कर पा रहे थे. यही क्वेश्चन अगर मैं बोलूं आप पेन और पेंसिल पे करो और सेम टाइम दूं, आप नहीं कर पाओगे. और नॉर्मली अगर मैं फिंगर पे बोल रही हूं आप फास्ट कर लोगे, ठीक है. सो सर आई थिंक इट इज 4:30, तो क्या कैलीग्राफी के लिए ये करें हम लोग क्लास resume. Yeah, ma'am. We can move for calligraphy. Okay then. So, what do you mean by calligraphy, children? Anyone who wants to give answer? What is calligraphy? Rohab, bolo. Aap batao, Rohab. Kya hai calligraphy? Kya hai? Kis cheez ko bolte calligraphy? बताओ. रोहाब आप बता रहे थे कुछ कैलीग्राफी के बारे में. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. One by one only. Ma'am, I know what is calligraphy. Yes, please, batao. Sabko batao. Ma'am, I know what is calligraphy. Ma'am, handwriting. Beautiful handwriting. Yes, that is. You have to write beautiful handwriting. Beautiful handwriting. जो है वो है होता है कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ठीक है. और बेसिकली इसे एक पेन से करा जाता है कैलीग्राफी को, ठीक है. इसमें होता क्या, ब्रॉड टिप के पेन होते, जैसे कि ये हमारा पेंसिल या पेन जो भी हम लोग यूज करते हैं दैट इज पॉइंटेड, ठीक है. ये पॉइंटेड है. म्यूट कर देता हूँ मैम थोड़ी देर के लिए. हाँ सर प्लीज. कैलीग्राफी मीन्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ठीक है. ये बेसिकली एक तरीके के पेन से करते हैं हम लोग. जैसे कि पहले के टाइम में क्या है कि आप लोग, अभी आपको दिया जाता है कुछ बनाकर लाने को घर से कि हाँ आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाकर लाओ या कुछ भी, तो आप लोग क्या करते हो, सीधे कंप्यूटर पे जाते हो और वो कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो लिख करके वहां से प्रिंट करके लेकर चले आते हो, है ना. लेकिन वो आपको पता है वो सारे जो भी फॉन्ट्स हैं वो लिखे जाते हैं. बेसिकली पहले वो सारे फॉन्ट लिखे जाते थे हाथ से, वो सारे फॉन्ट पहले हाथ से लिखे जाते थे, है ना. तो आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ जो बेसिक्स होते हैं उस चीज के, वो सब, ठीक है. नॉर्मल आप टाइम्स रोमन जो देखते हो फॉन्ट है, ठीक है, वो कैसे लिखते हैं, वो एक ब्रॉड टिप का पेन होता है, ठीक है. वो नॉर्मल पेन नहीं होता, वो ब्रॉड टिप उसका होता है, उससे लिखते हैं. उसको एक रखने का तरीका होता है, उससे एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है. तो आज हम पहले सबसे पहले बेसिक्स के बारे में जानेंगे इसके. नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ डबल पेंसिल से आपको कुछ सिखा सकूं, ठीक है. तो आज जो है ये आप 4 line की कॉपी आपके पास भी होगी, है ना. ये 4 line आपको विजिबल है, ये सब सर आपको विजिबल है. मैम उतना क्लियर नहीं है पर काइंड ऑफ थोड़ा विजिबल है, थोड़ा और क्लियर हो सकता है. कैमरा पीछे जाएगा और तो
कैमरा को थोड़ा और पीछे कर लो आप. ठीक है नाउ इट्स क्लियर मैम. सो दोज हु डोंट हैव फोल्ड लाइन कॉपी मैम एनी अदर ऑप्शन. सॉरी सर. दोज हु डोंट हैव फोल्ड लाइन कॉपी दे कैन यूज जनरल कॉपी. एक्चुअली सर आज मैं इन लोगों को कर्सिव में कुछ बताऊंगी. ठीक है. Okay. क्योंकि उसमें फोर लाइन कॉपी मैं इसलिए आज यूज कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि लेटर्स का जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं. वो बहुत जरूरी है ताकि वो आगे जाकर समझ सकेंगे कि असेंडिंग लेटर्स कौन से हैं और डिसेंडिंग लेटर कौन से हैं. सो सबसे पहले नॉर्मली आपको आप लोग पेन कैसे पकड़ते हो. कोई ऐसे पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ते हैं, मतलब बहुत तरीके से आप सब पेन पकड़ते हो. ठीक है. तो हैंडराइटिंग सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पेन किस तरीके से पकड़ो और कहाँ पकड़ो. ठीक है. ये पेंसिल जो है या पेन जो भी है, ठीक है, वो हम यहाँ पे पकड़ते हैं दिस और यू. इस पे इस उंगली पे इसको होल्ड कराते हैं और इन दोनों से थंब और आपके इंडेक्स फिंगर से उसको पकड़ते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो आपके पेन पकड़ने का तरीका आपको देखना है. ओके. उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आप जब लिखते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना. अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर बनाओगे पेन और पेपर पे तो क्या होगा वहां पे कि आपके लेटर्स छोटे छोटे होंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे वहां पे और आप फास्ट नहीं लिख पाओगे. आप बहुत स्लो लिखोगे फिर, है ना. तो फास्ट लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेन को तरीके से पकड़ो और कहाँ पकड़ना है ताकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आए. बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तो वो आपका देखने में हैंडराइटिंग अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी. वो एक फ्लो के साथ जाना चाहिए हैंडराइटिंग. तो ये फर्स्ट जो है आपका लाइन, जो फर्स्ट लाइन होता है हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है, एक सेकेंड, फर्स्ट लाइन है उसे हम बोलते हैं असेंडिंग. असेंडिंग लाइन. ठीक है. जो लास्ट का सबसे नीचे का लाइन होता है उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग. ओके. लास्ट से जो सेकंड लास्ट है दैट इज बेस लाइन. मोस्टली सारे लेटर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं, बेस लाइन से. ठीक है. ये मैं आपसे पूछूंगी. बेस लाइन जो है वो उसी पे सारे लेटर्स स्टार्ट होते हैं और बेस से असेंडिंग और बेस के बीच में जो लाइन है दैट इज वेस्ट लाइन. डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट लाइन. ठीक. और आप लोग जब कर्सिव लिखते हो, कर्सिव आप लोग सभी अच्छे से लिख लेते हो एवरीवन, क्योंकि कर्सिव में भी लिखने का तरीका होता है. बहुत सारे बच्चे उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते. कैलीग्राफी का फर्स्ट स्टेप है कर्सिव राइटिंग, है ना. तो कर्सिव आपको अच्छे से आनी चाहिए कैलीग्राफी लिखने के लिए. ठीक है. सो सबसे पहले इट इज ए ओवर हियर जो कि बेस लाइन से शुरू होता है, असेंडिंग तक जाएगा, देन डाउन डिसेंडिंग और फिर, ठीक है, इसका स्मॉल कैसे लिखते हैं. ये लूप, ये जो मैं दे रही हूं दिस काइंड ऑफ,
दिस इज कॉल्ड लूप. ये चीज, ये जो है ये लूप है. ये बहुत जरूरी है सारे लेटर्स में देना. इससे क्या होता है ना कि आप आगे के लेटर को कंटिन्यू करते चले जाते हो और ये फास्टेस्ट वे होता है लिखने का. ठीक है, हाउ टू राइट ए, कैपिटल ए, यहीं से स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम बेस लाइन जाएंगे ऊपर असेंडिंग तक, देन डाउन अगेन ऑन बेस लाइन, फिर मेगा सर्कल ऑन बिटवीन वेस्ट एंड बेस, कैपिटल ए स्मॉल ए. विजिबल, इट इज विजिबल ना चिल्ड्रेन? मैम सम आर विजिबल सम आर नॉट, सो ट्राई टू मेक इट क्लियर. इट्स विजिबल टू मी बट सम स्टूडेंट आर सेइंग सो इट्स क्लियर. आई कैन सी क्लियरली मैम, आई कैन सी. जस्ट गिव मी one yeah, second. Now it's okay. It is okay, ma'am. I think now it is clear, isn't it? Yeah, ma'am. It's now it's clear. Okay. It's clear, ma'am. कर्सिव में क्या है ना कि आपका हाथ जब तक वो लेटर खत्म ना हो नहीं उठना चाहिए. ठीक है, ठीक है. ये लूप्स आप देखोगे सारे जो भी स्मॉल लेटर्स है ये लूप जरूर रहता है उसमें. बी में क्या है कि असेंडिंग से हम लोग डाउन आते हैं बेस तक, देन अगेन और जो लेटर है हमारा स्मॉल वो बेस से स्टार्ट होकर जाता है ऐसे. ठीक है, प्रोसीड. फॉर स्मॉल सी आप देखोगे सब में लूप्स है. दिस इज लूप, ये भी लूप है आपका जो कि लेटर्स में क्या होता है आगे के लेटर को कंटिन्यू करता है. नाउ इट इज सी हियर, नाउ वी विल फॉर डी अगेन हम स्टार्ट करेंगे असेंडिंग लाइन से, बेस लाइन तक आएंगे स्लांट. थोड़ा स्लांट रहेगा यहाँ पे लाइन हमारा. स्मॉल सी की जैसा ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबके? दिस इज कर्सिव बेसिकली. नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि आपको डबल पेंसिल कैलीग्राफी सिखा सकूं. देखो वो लूप जो मैंने बोला था वो क्यों जरूरी है देखना अभी आप.
ये लूप्स इसलिए जरूरी है, एक तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मेरा हाथ कहीं पे भी मैंने उठाया नहीं है जब तक ये लेटर कंप्लीट डी तक नहीं करा। Okay, now we will write E. Anyone wants to ask any question regarding this? किसी को इससे related कुछ पूछना है अभी? पूछ लो। Sir, इनको बच्चों को कुछ पूछना है, please. I'm going to unmute them, ma'am. So, raise वो करेंगे hand अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है इससे related अभी तो। मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि जो फोर लाइन का कॉपी को मीन्स जो आपने बोला ना कि ये चारों लाइन को क्या बोलते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन होता है ना हमारा, मैम मुझे भी प्रणाम, ये जो फर्स्ट लाइन है इसे बोलते हैं असेंडिंग लाइन, असेंडिंग, जैसे असेंडिंग आपका होता है ना नंबर्स में, असेंडिंग नंबर, डिसेंडिंग और असेंडिंग, वैसे ये असेंडिंग लाइन है, इसे बोलते हैं वेस्ट लाइन। जब आप लिखते हो तरीके से, जब आप कैलीग्राफी सीखना चाहते हो ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लाइंस के नाम जानो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं कल को बोलूँ कि यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट करो, यहाँ तक जाओ, देन यहाँ से वापस आओ, वो बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको डबल पेंसिल लेकर आना है और दो रबर उसको टाई करने के लिए, दो सेम साइज के पेंसिल, ठीक है, और दो रबर उसको टाई करने के लिए। तो कुछ पूछता है, नेक्स्ट क्लास विल हैपन ऑन थर्सडे, डे आफ्टर टुमारो। एंड सर, व्हेन इज आवर फेमलेस कुकिंग क्लास? This Saturday, this coming Saturday. See, one, I'm having one paper over here. Calligraphy. आप ये देख पा रहे हो कि लिखा हुआ जो है? Yes, ma'am. ये है brush pen calligraphy basically. ठीक है, कैलीग्राफी में क्या होता है ना, मेनली आप देखोगे कि ये जो आपका जो स्ट्रोक जा रहा है, कहीं वो ज्यादा पतला है और कहीं वो थिक है, देख रहे हो इस चीज को आप? यस मैम। कैसे होता है? ठीक है, वो बेसिकली ये लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लेटर्स में, अगर ये आप लाते हो तो फिर आप अच्छा लिख पाओगे इसमें। आप अगर टाइम्स न्यू रोमन देखो या फिर और भी जो फॉन्ट्स हैं मैक्सिमम आप देखोगे तो सब में ये चीज है। आप अपनी बुक्स में उठाकर देखोगे, लाइक आई एम हैविंग सम बुक्स ओवर हियर, see as you can see over here Oxford, Oxford जो आप देख रहे हो लिखा हुआ, आप देखोगे ये यहाँ पे भी स्ट्रोक कहीं थिक जा रहा है, कहीं थिन जा रहा है। O में अगर ऊपर और नीचे के साइड में देखोगे तो वहां क्या है,
स्ट्रोक्स थिन जा रहे हैं, ठीक है, और साइड साइड में स्ट्रोक्स थिक है, वो क्या है, आप जब वो पेन पकड़ते हो उस पेन को पकड़ने का एक तरीका होता है। तो आपके पास वो पेन, एक्चुअली वो पेन काफी एक्सपेंसिव आता है, ठीक है, तो अभी वो पेन की आपकी जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं पेंसिल से वो स्टार्ट करके दिखाऊंगी कि वो चीज आप पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन कैसे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स है, ये आपका ब्रश पेन कैलीग्राफी हो गया। Like, see, ये ठीक है, इसमें भी क्या है ना कि आप खुद से भी इसमें बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन और सब कुछ। इवन ये आपको काफी हेल्प करेगा जब आप स्कूल में बैनर वगैरह बनाते हो देन ऑन दैट टाइम, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो। इससे रिलेटेड और कुछ पूछना है आपने? How we can do this? एक्चुअली ये डिफरेंट डिफरेंट पेन के हेल्प से होता है, ठीक है, तो वहां पे हमें ये जानना होगा कि किस पेन की कैलीग्राफी सीखनी है। लाइक जो अभी मैंने दिखाया दैट वॉज पेंसिल, सॉरी ब्रश पेन कैलीग्राफी, ओके, इस तरीके का उसका टिप आता है, दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा फ्लेक्सिबल होता है वो बिल्कुल। बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है ये, देखिए हमारा ये जो पेन का टिप होता है ये हार्ड होता है ना, लेकिन ये आप देखोगे दिस इज फ्लेक्सिबल, देखो ये बिल्कुल मुड़ जाता है, है ना। सो दिस इज ब्रश पेन, और एक और पेन है अभी मेरे पास नहीं है ब्रॉड टिप वाली, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। यस ओजस्वी, यस ओजस्वी, ओजस्वी आपको कुछ पूछना है सर? सी वांटेड टू आस्क समथिंग ओजस्वी। विच पेन यू हैव यूज्ड? सॉरी ओजस्वी मैम, विच पेन यू हैव यूज्ड? इट इज ऑफ डोम्स आई थिंक, डोम्स और कैमल, कैमलिन का शायद ये है, इस वजह से तो नाम मिट गया है, लेकिन ये ब्रश पेन करके आता है, ठीक है। We can write this way. Ma'am? See, this one also I have done with brush pencil and watercolor. Okay. So, ये लिखने से पहले बहुत जरूरी है कि आपको कर्सिव आए अच्छे से। Now we can write this way. Yeah, why not? You can write. I will try to tell you in next class how. Okay. ये एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, yes, it will take time. लेकिन फिर भी मैं बेसिक्स आपको कुछ बताऊंगी।
और किन्हीं को कुछ पूछना है या फिर मैं आपको होमवर्क दूं? अंशराज और किन्हीं को कुछ पूछना है या मैं आपको एक होमवर्क दूं आप सबको? मुझे नहीं पूछना। मैंने सबको अभी अनम्यूट करा है, वन बाय वन बोलेंगे सब लोग अपने आप को। मैं नेम बोलूंगा सब लोग बोलते जाएंगे। Mute yourself. Sir, what is after this class? मैम मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। आप मेरे होमवर्क ले लो। या मैम यू कैन गिव सम होमवर्क। Ma'am, are A you to there? E, A to E together like this. A, B, C, D, and E. Up to E. ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल. In this way. Capital A to E and small में इस तरीके से. Yes, Ojaswi. नहीं, ज्योति मनी मैम, वी हैव टू राइट दिस इन वन टाइम और मेनी टाइम्स? वन टाइम एट लीस्ट। ओके, वन टाइम मींस वन पेज यू हैव टू राइट, नॉट वन टाइम ओनली। मैत्री मिश्रा, and we have to write only A, B, C, D. E, up to E. Yeah, Matthew. Excuse me, ma'am. Yes. See, ma'am, in one page you have to... let me complete once. Let me instruct them. In one page you have to write A, B, C, D, E. Okay, single, in capital. In one page, and another page you have to write like this two times. One in two part. Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. I am Matthew. Yes. Ma'am, how to write the cursive O? How to write? Cursive O. You are asking capital or small? Cursive O. Capital cursive O. It is like this. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes? Excuse me, ma'am. How to write small D? How to write small? D. B. Excuse me, ma'am. I've written it here just now. Excuse me, ma'am. Ma'am, yes? How to write D? D. Yes, ma'am. Ma'am, D, D. Ma'am, what is homework? Let me write B first, okay? Yes. Ojaswi. Ma'am, I heard right now. Let me check who is Tanisha. Tanisha? Very good. Ma'am? Excuse me, ma'am? Excuse me, ma'am?
Ma'am, it is good. Ma'am, I can show you. I am writing. Ma'am, I am showing you my handwriting. Any other question, children? Next ma'am, class में आपको दो pencil लेकर आने हैं, ठीक है? Two pencil and two rubber. Homework. हाँ. एक video मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ठीक है? आप बस वो देखो एक बार. Is it visible? Yes, ma'am. ये pencil से ही लिखा हुआ है, ठीक है? और पेन कैलीग्राफी है. बेसिकली यही आपको उस दिन बताया जाएगा. ये दो पेंसिल और वो टाई करने के लिए आपको वो रबर चाहिए होगा, है ना? दो रबर आप लोग ले लेना. ओके, एक्सक्यूज मी मैम. यस I'm showing my handwriting, Matri.